हेलो एवरीवन, तो आज हम आप सबके साथ शेयर करने वाले माकुती की रेसिपी। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक कप मूंग दाल की लेंगे, क्योंकि ये मूंग दाल से बनती है माकुती, और इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। उसके बाद हम इसे कुकर में डाल के उसमें डेढ़ कप उसी कप से पानी डाल लेंगे, और उसके बाद साथ में ही उसके साथ हम गाय छाप रंग जो होती है वो भी डाल लेंगे। फूड कलर आप भी डाल सकते हैं ताकि उसमें अच्छी कलर आ जाए, इसीलिए हम इसे डाल रहे हैं। आप चाहे तो बाद में भी डाल सकते हैं और अभी भी डाल सकते हैं। और उसके बाद इसमें 3 से 4 सीटी लगा लीजिए, कि उससे लगाने के बाद वो आराम से गल जाएगा। और देखिए, इसी के साथ मेरा गल भी गया एंड कितना अच्छा कलर लग रहा है अभी, और बनने के बाद तो और मस्त लगने वाला है ये। और उसे अच्छे से हम फिर मिक्सी में पीस लेंगे। इसे ठंडा होने के बाद पीसेंगे, क्योंकि गरम गरम नहीं पीसी जाती है। तो इस तरह करके सारे को पीस लेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के भी आप पी सकते हैं, नहीं पिसाएगा तो। उसके बाद लोहे के कढ़ाई में, या तो आप नॉनस्टिक पैन में भी बना सकते हैं, उसमें हम घी डाल लेंगे, या तो फिर आप बटर की भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जो प्रेफर लगे। अच्छा, उसके बाद थोड़े थोड़ा करके इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि इसके अंदर सोनापन आए, और इसके अंदर मतलब इसे तब तक अच्छे से भूनेंगे, इसे सटने नहीं देना जब तक ये अच्छे से सूख ना जाए। इसमें बहुत मेहनत लगती है, वाकई हम सच बता रहे हैं, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। मतलब शादी में तो, अगर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में शादी होती है ना, तो ये ज़रूर मतलब लाजमी से मिल ही जाती है एज अ डेजर्ट। तो इसे बनाना मतलब डिफ़िकल्ट है, अकॉर्डिंग टू मतलब खीर हो गई, फिरनी हो गई, ये ज़्यादा थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये बहुत टेस्टी लगती है, वाकई एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और हाँ, अगर आपकी शादी हुई तो प्लीज़, अगर हमें बुलाए तो प्लीज़ माकुती की आइटम ज़रूर रखिएगा। और पता है, इसे मतलब ये हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे, क्योंकि हमें एक्चुअली खानी बहुत पसंद है, और मेरे घर में साल में एक बार बन जाता है, लेकिन कभी कभी होता है ना, कुछ चीज़ जब हमें पसंद होती है तो अम्मी लोग का मतलब हमेशा से, बचपन से अम्मी का कहना है कि हम जब बचपन से खुद से सब कुछ करते आ रहे हैं, हमेशा ट्राई करना, कुछ अच्छा बनाना, हमेशा हम सारी चीज़ को मतलब एक्सपेरिमेंट करते रहते, तो तुम क्यों नहीं करते। हम बोले बनाने, तो अम्मी बोले जाके खुद से करो, हम बस एडवाइस दे देंगे। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था। उसके बाद वो करने के बाद फिर यहाँ पे चावल भी थोड़ा सा भिगो लेंगे, अरवा चावल हम लिए हैं, क्योंकि वो भी पड़ती है इसमें। और ये देखिए, मतलब एक दरदरापन जब तक नहीं आ जाएगा ना, तब तक इसे चलाते रहना है, मतलब पूरा पानी सोख लेने के बाद इसके अंदर से जब तक सोनापन नहीं आ जाना, तब तक ये होगा। और धीरे धीरे करके सारे को ले लेंगे, या तो आप बड़े कढ़ाई में भी एक बार ले सकते हैं, और हम छोटा, मेरे घर में ज़्यादा लोग है नहीं, तो हम छोटे कढ़ाई में ही बना रहे थे, तो फिर हम इसी कढ़ाई में बना रहे थे, और हम दिखा रहे थे, देखिए इस तरह का दरदरापन आए। उसके बाद चावल भिंगो लेने के बाद हम उसे सुखा के पीस लेंगे, और उसके बाद आप देख लीजिए, ये भी बिल्कुल दरदरा सा है, उसमें टेस्ट बढ़ जाती है। थोड़ा सा दाल मिक्स करके हम वो जो जितना दाल था, जो दरदरापन था, उसको सॉफ्ट कर लेंगे, मतलब उसको ठंडा करके भी पीसना है। और उसके बाद फिर कढ़ाई में हम थोड़ा सा छोटी इलायची और लौंग डाल के थोड़ा सा इसे भून लेंगे, मतलब छौंक रहे काइंड ऑफ। और उसके बाद हम दूध लेंगे, अब आई बारी दूध की, और उसके बाद वो जो जितनी भी मूंग दाल थी पीसी हुई, उस सबको हम इसमें मिक्स करके और अब इसमें डाल देंगे, और इसके ऊपर से अरवा चावल भी हम डाल ही दे, जो कि आप देख ही सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा फूड कलर डालें ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए, हम तब भी डाले थे और हम अब भी डाल रहे हैं ताकि अच्छी सी कलर आ जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। और फिर उसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स इसमें नेसेसरी होती है ऊपर से डालने के लिए, और ये मगज है, जिनको पता होगा, जो नहीं पता मम्मी से पूछ लीजिएगा अपने। और फिर इसे काफ़ी देर तक चलाते जाएंगे, मतलब इसे गाढ़ा करना है, जितना ज़्यादा गाढ़ा करिएगा उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ये काफ़ी टाइम लेते हैं, मतलब ये रेसिपी बनाने में काफ़ी मेहनत है, लेकिन उतना ही टेस्टी है, मतलब 100% आप दीजिएगा तो 100% रिज़ल्ट मिलेगा। और इसी के साथ ये जब गाढ़ा से थोड़ा कम रहे, तो आप इसमें चीनी डाल लीजिए, हम उसी कप से 1.5 चम्मच चीनी डाले, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा मीठा ज़्यादा नहीं खाया जाता है, तो आप भी उस हिसाब से अपना डाल सकते हैं। और हम एक ही कप को लिए मेज़रमेंट के लिए, तो आप भी यही करिएगा, आप जिस कप को लीजिएगा उसी से मेज़रमेंट से आप इसे बना सकते हैं रेसिपी को। हम बस अपनी तरीके शेयर कर रहे हैं। एंड देन ये रहा थोड़ा सा मीठा इत्र, जिन मम्मी लोग को पता ही होगा ये मोगलाई का आता है, तो आपकी तरफ भी मिलता ही होगा, तो ये ज़रूर डालिएगा, इससे स्मेल बहुत अच्छी आती है। वैसे तो रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन नेसेसरी मतलब हम इसमें से दोनों में से एक ऑप्शन चूज़ किए। और फिर ये थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेंगे, और फिर इसके बाद हम इसमें मगज डाल देंगे, और उसके बाद थोड़ा सी ड्राई फ्रूट डाल देंगे अब, और हम इसे बाद में भी सर्व करते टाइम भी इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे।
और उसके बाद सारे सर्विंग बाउल रख लिए हम सामने, और सच बताया उसमें से एक फूट गया था, और अम्मी का रिएक्शन कि अब मार ही डालेगी। और हाँ, जब ये उतारने लगेगा ना, तो तब आप इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में घी डालिएगा, ताकि उससे और ज़्यादा सोनापन आए। हम डालना भूल गए थे क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो या ऐसे भी अच्छी लग रही थी, लेकिन उससे और ज़्यादा निखर के टेस्ट आती है। शुद्ध घी जो होती है वो डालिएगा, शादी वगैरह में तो ज़्यादा ये सब पड़ती है, तो हम सोचे या। और उसके बाद ये मेरी जितनी भी मतलब ज़्यादा लोग तो हैं, आप इसे छोटे छोटे बाउल में सर्व कर लीजिए मेरे तरह, या तो फिर आप कपटी में भी जो आती है मार्केट में उसमें सर्व कर सकते हैं, उसके बाद इसके ऊपर से भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, डाल लीजिएगा। तो वाकई अच्छी लगी, अंदर से तो डाली हुई है, क्योंकि ये सेट हो जाने के बाद दिक्कत होगा बार बार डालो नहीं डालो, इसलिए हम पहले ही कर लेते हैं। इसी के साथ ये तैयार हो गया, और ये अभी नहीं, इसे गर्म गर्म नहीं खाई जाती। इसके लिए अगर आपको इसका सही टेस्ट चाहिए ना, तो आप इसे फ्रिज में 2 से 3 घंटा सेट होने के लिए रख दीजिए, यानी तो ठंडा। वाकई उसके बाद इसकी टेस्ट मतलब इतनी टेस्टी होती है ना, कि मतलब मज़ा ही आ जाएगा खाने के बाद। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कि बाय, खुदा हाफिज़।